ये हट जाएगा नीचे, मार्क आर्क हटा दो। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग डियर ऑल। सूरज भाई गुड मॉर्निंग, यूनिक पर्सन जी गुड मॉर्निंग, बहुत दिन बाद भेंट हुई है आप सबसे, बहुत अच्छी बात है। टॉक्सिक गर्ल गुड मॉर्निंग, फाल्गुनी जी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूं सूरज भाई, और आशा करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से अपने सिलेक्शन के बहुत नजदीक जा रहे होंगे डे बाय डे। तो आज का सेशन जो है मैं आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आया हूं, उन क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे जो वाकई आपसे लगातार आस्क किए जा रहे हैं। उसमें हम करंट अफेयर को भी देखेंगे, उसमें हम क्या कहते हैं स्टैटिक पार्ट को भी देखेंगे। और ध्यान में रखिएगा प्लीज, सर दिल्ली वाले भी ले सकते हैं क्या? जी हां आरती अग्रवाल जी, बिल्कुल आप ले सकती हैं क्लास, और दिल्ली पुलिस के लिए ही मैंने इस क्लास को भी अरेंज किया है। एसएससी का पीछे आपको लगा हुआ है टैग, तो ये कमीशन आपका सेम है, तो आप उसमें बिल्कुल भी परेशान मत की हुई। आई थिंक वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए। सुधाकर पटेल जी हेलो हेलो डियर, हेलो हेलो हेमंत आर्या भाई, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो वॉइस में तो मैं इसको चेक करवा लूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे लिख करके वो बता दे, मैं देख रहा हूं इस समय। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप अपने दोस्तों को बिल्कुल 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 चीता आ गया, बिल्कुल आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। यह मेरी गारंटी है कि मैं जिस भी चैनल पर खड़ा हो जाऊंगा वहां के आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा। आखिर नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपका कमीशन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो चीज मैं भली भांति बहुत अच्छे से समझता हूं, और कहीं ना कहीं 6 से 7 साल का मेरा एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी भाई बहन को प्रॉब्लम हुई हो वॉइस में प्लीज एक बार रिफ्रेश कर ले, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल हमारा एसएससी का पूरा बैच चल रहा है, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल सारे बैच चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस के बैच चल रहे हैं। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइव क्लास के साथ पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस सेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बताता हूं स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। क्योंकि आपको एक चीज बहुत आसानी से पता होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन आपकी सही है तो आप बहुत जल्दी मछली की आंख को निशाना बना लोगे, मतलब आप अपने कमीशन के पेपर को निशाना बना लोगे। तो हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी देरी ना करते हुए फुल जील फुल उमंग फुल एनर्जी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहले क्वेश्चन को हम आपके सामने रखते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेफ्रेटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो प्रभावित करती है किसको, मसल्स ज्वाइंट को, ब्रेन को, किडनी को या हार्ट को, किसको प्रभावित करती है? प्लीज जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर का धुआं निकाल देंगे ये गारंटी है। गुड मॉर्निंग डियर ऑल, गुड मॉर्निंग राधे राधे, सभी को बहुत बहुत राधे राधे। नेफ्रेटिस एक चिकित्सीय स्थिति है, यह किसको प्रभावित करती है, मसल्स ज्वाइंट्स, ब्रेन को, किडनी को या हार्ट को, किसको करती है? क्या लगता है आपको आंसर? बहुत अच्छे फाल्गुनी मिश्रा जी कह रही हैं हमारी ब्रेन, ओके। सुधाकर पटेल जी कह रहे हैं सी किडनी, ओके। बहुत से लोग कह रहे हैं ब्रेन एंड बहुत से लोग कह रहे हैं किडनी, बहुत बहुत यार राधे राधे आप सबको। एनी जी कह रही हैं सी, सूरज भाई हमारे कह रहे हैं सी, और देखिए यहां पर मैंने आपके सामने लिखा भी हुआ है, दैट इज शिफ्ट के साथ मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत से लोगों ने कहा ब्रेन और बहुत से लोगों ने कहा किडनी, बट
राइट आंसर इज दैट इज किडनी। भैया किडनी होता है, किडनी दैट इज नेफ्रेटिस जो संबंधित होती है वो किडनी से संबंधित होती है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भैया नेफ्रॉन और कुछ नहीं है, नेफ्रॉन क्या है भैया, ये फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। ये एक कार्यात्मक इकाई है किसकी सर, ये कार्यात्मक इकाई किसकी है, ये सर कार्यात्मक इकाई है आपके किडनी की, गुर्दे की, समझ रहे हैं, दैट इज गुर्दे की है कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। डियर आप न्यूरॉन से कंफ्यूज कर रहे हो, डियर वो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन होता है जो कि ब्रेन से संबंधित, आप इसको समझ रहे हो। यहां पे नेफ्रॉन लिखा हुआ है, नेफ्राइटिस लिखा हुआ है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट है किसकी, ये दैट इज किडनी की। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कौन सा एंजाइम सिक्रीट कर देती है ये, कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, तो नाम याद रखिएगा दैट इज रेनिन। क्या नाम लिखा हुआ है सर, रेनिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेनिन। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यूनिक पर्सन जी, वेरी गुड। आज शुरुआत ही राइट से आपने की है, ईश्वर हमेशा आपको राइट डायरेक्शन में रखे, यही मैं ईश्वर से कामना करूंगा। बहुत अच्छे प्रियंका यादव जी, बहुत अच्छे, किडनी किडनी किडनी, एनी जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी नाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से पढ़िए, कभी कभी आपको आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं, नेफ्रेटिस से आप न्यूरॉन से कंफ्यूज कर रहे हो, तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, मोहन जोदो की नृत्यांगना लड़की की मूर्ति बनाई गई थी, भैया किससे बनाई गई थी, लोहे से, चांदी से, सोने से, या आपके कांसे से। दीक्षा पांडे जी, आपकी फ्लस टाइम, ओके ओके डियर, आज आप पहली बार आई है, ये मेरी गारंटी है, मेरी कम से कम 8-10 क्लासे ले लेना, तुम्हारा आधा परीक्षा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जिस दिन आपकी मेजर क्लासे मैंने ले ली, एक एक क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, बहुत सारे इसमें प्रीवियस बैच के हमारे स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि मैं किस प्रकार से उनको जीएस के क्वेश्चन दिखा देता हूं, यह बहुत आसानी है मेरे लिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आपको मालूम है मोहन जोदाड़ो दिया, जी हां, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज सर मृतकों का टीला बोलते हैं इसको, माउंट ऑफ डेड भी इसी को बोला जाता है, किसको, सर मोहन जोदाड़ो को बोला जाता है। कौन सी नदी किसने खोजा था, यह तो मैं बताना ही भूल गया, दैट इज राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। तो इसको भी याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है, तो सर सिंधु नदी के किनारे है। स्नानागार कहां से मिला था, स्नानागार बाथिंग टब, ग्रेट बाथ, सॉरी ग्रेट बाथ, स्नानागार भी यहां से हमको मिला सर, अन्नागार भी हमको मिला सर, पशुपति शिव की मूर्ति मिली यहां पर, पशुपति शिव की, योगी की, ठीक है। और कासा, बहुत अच्छा आंसर दिया, कासा किससे बनता है, तो सर कॉपर प्लस टिन को मिला देते हैं तो फिर कासा बन जाता है, सर कॉपर प्लस टिन को जब मिला दिया जाता है तो सर फिर कासा बन जाता है, किसी भी प्रकार से, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड। यूपीएससी सृष्टि देशमुख जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, रियल टॉप कॉमेडी। सीआईएसएफ की क्लास कब आती है, जिस भी क्लास में जीएस आती है, जिस भी आपके पेपर में जीएस जीके आती है, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रामबाण होंगे, ये मैं आपको लिख करके दे दूंगा स्टाम्प पेपर पर। तो किसी भी प्रकार से आप परेशान मत हो, जिस भी पेपर में जीएस जीके पूछा जाता है, उस सब के लिए ये मोस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं आपको लिख करके दे दूंगा, ठीक है, वेरी गुड। भैया हड़प्पावासी किस मेटल से परिचित नहीं थे, यहीं पर ध्यान रख लेना, हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, सर किससे परिचित नहीं थे, हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। जैसे ही आएगा तुम तुरंत के तुरंत इसी ऑप्शन को टिक लगा देना, 200% है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लोहा वैदिक काल को लेकर के आइएगा, ठीक है, आर्यंस को लेकर के आइएगा, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ 10-10 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। राम राम जी डियर, राम राम, बिल्कुल बिल्कुल, जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विवेक सिंह गोरखपुर लोहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लोहा, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं,
इज एन इक्वेटोरियल बेल्ट, कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं, जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं। भैया वो कौन सा इलाका है जहां पर व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं? सर ये 0 डिग्री है, सर ये लगभग 30 से 35 डिग्री है, सर ये 30 से 35 डिग्री है, यहां से हवाएं इधर की ओर आती हैं, ये व्यापारिक हवाओं का जोन है। सर ये कौन सी हवाओं का जोन है? सर ये व्यापारिक हवाओं का जोन है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सर ये ट्रेड विंड्स का जोन है। ये ट्रेड विंड्स का जोन है जो कि 30-35 डिग्री से चलती किधर है सर? 0 डिग्री की तरफ भागती है, 0 से 5 डिग्री की तरफ भागती है। हर्ष बहुत बढ़िया, प्रिया रानी जी वेरी गुड, संजय तोमर भाई हमारे कह रहे हैं मुराइन ओके। डियर ध्यान में रखना, विवेक सिंह गोरखपुर, शीतल रानी वेरी गुड डियर वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिए हमारे भाइयों बहनों, इस चीज को ध्यान में रखो डियर। यहां से 0 से 5 डिग्री का जो इलाका होता है ना, 0 से 5 डिग्री का इलाका जो होता है ना डियर, ये बहुत शांत इलाका होता है। ये जो इलाका है 0 से 5 डिग्री का, 0 से 5 डिग्री का ये जो इलाका है डियर, इसी को कहते क्या है? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम या इसी का दूसरा नाम क्या है सर? इसी का दूसरा नाम है शांत पेटी। सर इसी का दूसरा नाम क्या है सर? शांत पेटी। इसको क्या कहते हैं? दैट इज काम बेल्ट भी कहते हैं, इसी को शांत पेटी कहते हैं मेरे दोस्त। जो मेरे भाई बहन मोरेंस को आंसर दे रहे थे, मोरेंस को आंसर दे रहे थे, तो बेटा ये चीज ध्यान में रखना, तुमको मालूम है जब नदियां चलती हैं तो बाढ़ के साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर के आती है, बहुत सारे आई थिंक अब आपको आवाज आ रही होगी, थोड़ा बैटरी में प्रॉब्लम आ गई। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज आप मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। अब देखिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, देखिए प्लीज अगर आवाज आ रही है तो एक बार मुझे प्लीज थम्स अप कर दीजिए, यस का साइन कर दीजिए। ओके 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 ठीक है, अब आपको आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान में रखिए, जो हमारे भाई बहन कह रहे थे मोराइंस का आंसर, तो मैंने आपको यह बताया था बेटा जब नदियां बहती हैं
तो अपने साथ अवसादों को लेकर के चलती हैं और वो अवसादों का निक्षेपण कर देती हैं नदियों के किनारों पर। वो अवसाद क्या कहला रहे थे? बांगरवा खादर। ऑलरेडी आपसे आपका कमीशन पूछ चुका है, लेकिन जब बर्फ की नदियां बहती हैं, जब बर्फ की नदियां बहती हैं तो वो भी डियर अपने साथ अवसादों को लेकर के चलती हैं और वो भी अवसादों का निक्षेपण करती हैं, तो वो क्या कहलाता है डियर? वो मोराइंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है डियर? वो मोराइंस कहलाता है। प्लीज याद करो और कभी भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुमको मैं क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं रह जाएगा। सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं। संतोष शुक्ला भाई समझने का प्रयास करो। जब नदियां बहती है तो नदी अपने साथ मिट्टी को भी लेकर के आती है और मिट्टी को वो इधर उधर निक्षेपित कर देती है, और जब वो निक्षेपित कर देती है वो जो अपने साथ नदियां अवसाद लेकर के आती हैं उन अवसादों को क्या कहते हैं? बांगर और खादर। इसी प्रकार जब बर्फ की नदी बेटा बहती है तो वो भी अपने साथ बहुत सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर सब लेकर के जाती होगी। ओके ओके हेमंत आर्या भाई आई गॉट इट। तो वो भी अपने साथ क्या करती है कि वो अपना अवसाद इधर उधर निक्षेपित करती है। तो जो बर्फ की नदी ग्लेशियर की रिवर अपने सेडिमेंट्स को, सेडिमेंट्स होता है डियर, सेडिमेंट्स को जब इधर उधर निक्षेपित कर देती है तो वो कहलाती है मोराइंस। वो कहलाता है मोराइंस। और अल्निनो और लानिना ये आपके वर्षा से संबंधित है, ये आपके वर्षा से संबंधित है। लानिना टर्म और अल्निनो टर्म दोनों आपके किससे संबंधित हैं? सर ये रेन से संबंधित हैं। अगर लानिना की कंडीशन होती है तो भारत में मॉनसून पॉजिटिव हो जाता है। भारत कैसा मॉनसून हो जाता है? सर पॉजिटिव हो जाता है। और जब अल्निनो की कंडीशन होती है तो भारत में मॉनसून कैसा हो जाता है? सर निगेटिव हो जाता है। सर कैसा हो जाता है मॉनसून? सर निगेटिव हो जाता है। एक साथ ही 10-10 चीजें तुम तैयार कर लोगे ये मेरी गारंटी है। प्लीज समझने का प्रयास करो क्योंकि ये लगातार घूमता रहता है क्वेश्चन। बिल्कुल फाल्गुनी मिश्रा जी वेरी गुड। डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय ग्लेशियर रिवर इज कॉल्ड आपका मोरेंस। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। प्लीज बिल्कुल बिल्कुल लानिना दैट इज पॉजिटिव एंड एल्निनो दैट इज निगेटिव, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका आंसर क्या था डियर? डोल्ड्रम था, शांत पेटी होता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जहांगीर के मकबरे से जुड़ा हुआ है? भैया जहांगीर का मकबरा कहां पर है? भैया बाबर का कहां है पहले हम ये देख लेंगे, फिर सर हुमायूं का कहां है ये भी हमको पता है, सर अकबर का कहां है ये भी हमको पता है, सर जहांगीर का कहां है सर ये भी हम, आई गॉट इट, ओके वेरी गुड। सर शाहजहां का कहां है सभी को पता है, औरंगजेब का कहां है दुनिया को पता है, ठीक है वेरी गुड। की भी क्लासेस हैं ये, प्लीज रिप्लाई। सूरज भाई ये क्लास उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके भी पेपर में जीके जीएस पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा जीके जीएस की जितने भी आपके पेपर होते हैं वहां पर आपको ये क्लास रामबाण सिद्ध हो जाएगी, आप खुद देख लोगे अपने पेपर के साथ। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ भी चुका है मैं देख रहा हूं। भैया बाबर की कहां पर है? तो भैया एक ही जगह लिख लेना, बार बार क्यों भटकोगे। दिल्ली की कहां है हुमायूं, इसकी कहां पर है भाई अकबर की? सिकंदरा, सर सिकंदरा कहां पर है? सर आगरा में है। जहांगीर की कहां है? सर लाहौर। सर कहां पर है? सर लाहौर में है, और लाहौर में भी कहां पर? शाहदरा, शाहदरा में है। ध्यान में रखिएगा शाहजहां की आप जानते हो दैट इज आगरा का ताजमहल, और औरंगजेब की कहां पर है तो सभी को पता है दैट इज औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर है सर? सर महाराष्ट्र में है। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा आगरा, बिल्कुल 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 डियर। उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, तो काबुल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है वेरी गुड हर्ष वासले, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी नाइस। जाट भाई बिल्कुल सही है, आज जाट भाई भी आ गए हैं। ध्यान में रखिएगा जो भी जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं आपकी मेरे द्वारा, जिस भी पेपर को आप अपियर कर रहे हो उन सब के लिए रामबाण होगी, ये मैं गारंटी आपको दे दूंगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा प्लीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई थिंक सभी को क्लियर होगा,
वेरी नाइस। ग्लूकोमीटर, सर ग्लूकोमीटर, कल भी मैं आपके एसएससी के चैनल पे इस क्वेश्चन को नहीं, ऐसे ही एक क्वेश्चन को करवा रहा था, तो उसी प्रकार का फिर से एक क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर एक रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, किस चीज को मॉनिटर के रूप में किया जाता है ग्लूकोमीटर का यूज? भैया ग्लूको का मतलब ग्लूकोज हो जाता है, यहीं पे तुमको आंसर समझ में आ रहा होगा, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल शांभवी कुमारी जी, थैंक यू डियर, थैंक यू। दीपक कुमार जी हेलो डियर, हेलो हेलो हेलो, आज पहली बार क्लास लिए, अच्छा अच्छा ओके ओके। ग्लूकोमीटर से आपको समझ में आ रहा होगा डियर ग्लूकोस। भैया एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें रोगी की बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया, भैया जिसमें रोगी के बॉडी में, रोगी के शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, शुगर डाउन हो जाती है, तो भैया हाइपोग्लाइसीमिक को मापने के लिए किया जाता है ग्लूकोमीटर का यूज, समझ रहे हैं। हेपेटाइटिस मेरे दोस्त लीवर से संबंधित बीमारी है, किससे संबंधित है सर? लीवर से संबंधित बीमारी है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, भैया न्यूरॉन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है, ये ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, न्यूरोसर्जन भी बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, वेरी गुड। धनंजय कुमार बिल्कुल 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 बिल्कुल, सचिन खिचड़ी भाई बिल्कुल आप ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं जीके जीएस का जो भी आपका पेपर आता हो 200% है आपके लिए, ये 100% रामबाण साबित होगी, और ये आपका पेपर आपको बता देगा, नहीं तो 10 क्लास तुम मेरी ले लेना और अपना जाके कोई भी मॉडल क्वेश्चन को लगाना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कितनी आसानी से आपके क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बिहारी मेल, हेलो सर आपका न्यू स्टूडेंट हूं, बहुत बहुत खुश रहो डियर, ईश्वर तुमको जल्द से जल्द सेलेक्ट करे। तो आपको समझ में आ गया होगा हेपेटाइटिस, तो आपको ध्यान में रखिएगा ये लीवर से संबंधित है। हाइपोग्लाइसीमिक को मापने किससे? ग्लूकोमीटर से। जब रोगी के शरीर में शुगर का लेवल डाउन हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और जब रोगी के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है सर? डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है सर? डायबिटीज नामक एक रोग हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप डेली अटेंड करोगे, जब जब मैं आऊंगा तब तब आप जरूर आइएगा। धनंजय कुमार मेरे भाई, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इसको, हिंदी में भी वही कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, इंग्लिश में भी वही कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज, डायबिटीज को भी डायबिटीज ही याद रखो, नहीं तो हिंदी में कहेंगे मधुमेह, मधु से लगाव हो गया, मधुमेह, समझ रहे हो, मधु से लगाव हो गया। तो मधु क्या होता है? मधु को इंग्लिश में कहते हैं हनी, ठीक है। मनु को क्या कहते हैं? मधु को हनी। बिल्कुल 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 आप, हाँ हेमंत आर्या जी मैं बोल दूंगा आपकी बात, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण क्या है? सर आर्द्रता को मापने के लिए बात कह रहा है, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए बात कह रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। आज के बाद नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर लिखा हुआ है। हाइड्रो डी मतलब डाउन कर देना, सर डी का मतलब क्या होता है? डाउन कर देना। हाइड्रोमीटर डी का मतलब क्या होता है सर? डाउन कर देना। तो पानी के अंदर जाओगे ना, जब डाउन कर देंगे तो पानी के अंदर चले जाओगे, और पानी के अंदर घनत्व को देखोगे, डेंसिटी को देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे कि भैया हल्की डेंसिटी का पानी है कि ये खारे क्या कहते हैं लो डेंसिटी का पानी है या हाई डेंसिटी का पानी है, समझ रहे हो। और लिखा हाइग्रो, ग्रो जी मतलब क्या होता है? ग्रो करना मतलब ऊंचा उठना। भैया ऊंचा उठने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऊंचा उठना। तो भैया
ऊपर से पानी नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है, वातावरण में नमी होती है कि नहीं होती है, तो वो ऊपर से आती है नमी या नीचे से आती है नमी? भैया ऊपर से आती है नमी। तो हमेशा के लिए ध्यान हो गया कि सर ह्यूमिडिटी हमेशा कहां से आएगी? सर ऊपर से आएगी, हमेशा ग्रो करता है, ऊपर से आती है, इसीलिए ह्यूमिडिटी को ग्रो कर देना, हाई ग्रो कर देना। लेकिन जब घनत्व की बात होगी तो पानी के नीचे जाओगे तब देखोगे घनत्व बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो तुमको समझ में आ जाएगा हाइड्रो से घनत्व को मापा जाता है, पानी के घनत्व को, सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। समझ गए होगे बहुत आसानी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है सर? डियर ये वायु दाब को मापता है, सर ये वायु दाब को मापता है। जब बैरोमीटर ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है, जब बैरोमीटर ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है तो भैया वातावरण क्या हो जाता है? वातावरण शांत हो जाता है, मौसम शांत हो जाता है। लेकिन जब वायु दाब नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है बैरोमीटर, तो तूफानी मौसम आ जाता है, थम्सअप पीनी पड़ती है यहां पर, समझ रहे हो? तो यहां पर हमारे जितने भाई बहन हो थम्सअप पी करके मजा लेते हैं तूफानों का, समझ रहे हो? सर एनीमोमीटर क्या होता है? तो डियर इसमें हम वायु के वेग को मापते हैं। भैया विंड की वेलोसिटी कितनी तेज हो गई है? सर विंड की वेलोसिटी कितनी तेज हो गई है? एक साथ दस दस क्वेश्चन आंसर को सीखो तभी आपका पेपर आपसे क्षमा मांग लेगा कि मैं किसके पास चला गया। विंड वेन एक होता है डियर, विंड वेन, विंड वेन सर इससे क्या नापते हैं? भैया वेन है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में कभी ऐसे बनाते हो तो कभी ऐसे बनाते हो, तो डियर ये वायु की दिशा को मापने वाला है वेन डायग्राम। ठीक है, वायु की दिशा को मापने वाला है। चार बार सीखो और पांचवी बार तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है तुमसे। कल भी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा था रेन गेज करके, रेन गेज, रेन सर इससे वर्षा को मापते हैं, रेन वर्षा मापी यंत्र होता है ये। सर कौन सा? सर रेन गेज। कल मैं एसएससी में एक क्वेश्चन करवा रहा था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ऑलरेडी ये चीज आपसे पूछ चुका है आपका कमीशन, ऑलरेडी आपसे ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी पूछ चुका है, इसको भी पूछ चुका है, तो आपको सभी पता होने चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और लिख लेना सर, फैदोमीटर। सर ये क्या होता है? सर फैदोमीटर डियर इससे समुद्र की गहराई को माप लेते हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई को फैदम से मापते हैं। किससे मापते हैं सर? सर फैदम से मापते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं सर? इसको फैदोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फैदोमीटर बोलते हैं। अपनी एनर्जी को बिल्कुल 100% रखना, यूनिक पर्सन, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। रेन को मापने के लिए रेन गॉज का यूज करते हैं। आफ्टर क्लास आपको इसकी पीडीएफ ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल दीक्षा पांडे जी, ये 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है। बिल्कुल लेविश पाल भाई, मेरा अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, मुझे मेट्रो में यहां तक आने में लगभग लगभग सवा घंटा लग जाता है, और मैं 8:50 पर मेट्रो में उतरा हूं और वहां से जॉगिंग करते हुए फटाफट यहां पर आ गया हूं। अभी तो मैंने क्या कहते हैं नाश्ता नहीं किया है, 11 बजे तक अभी आपकी मैं प्रॉपर क्लास लूंगा और उसके बाद मस्त क्या कहते हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, रोज क्लास कितने टाइम चलती है? डियर मैंने जो क्लास आज ली है वो आज मेरी स्पेशल क्लास रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अभी जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूं वो एग्जामपुर एसएससी चैनल पर ले रहा हूं, कभी 12 से 1 होती है तो कभी 2 से 3 होती है, तो वहां पर मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको आप ज्वाइन जरूर किया करिए। क्योंकि ध्यान में रखिए कमीशन एक है, आप क्वेश्चन वही करके जाइए जितने करा दूंगा, आपका मोराल जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस यहां पर चला जाएगा, अपने आप इस चीज को आप समझ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ग्रो मोर भाई, तुम अभी से क्लास ले लोगे तो यार पहली बार जाकर के पेपर में बैठोगे, पेपर को फाड़ दोगे, उसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वेरी गुड। मोनू राजपूत जी, मेरा नाम भाटी सर नहीं है, भाटी सर की दूसरी क्लास चलती है डियर, मेरा नाम जो है वो सुमित अरोड़ा है। ठीक है, वहां पे लिखा भी हुआ है सुमित सर, तो आप उससे आप पहचान सकते हो। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड निक्की गौतम जी, आप ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक ही साथ आपको हर चीज तैयार हो गई है, बार बार किताबों में झांकने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कहता हूं जितना बता दूंगा इतनी तैयारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस यहां पर चला जाएगा। रेन गेज, वर्षा मापी, फैदोमीटर समुद्र गहराई, डी से डाउन तो घनत्व, जी से ऊंचा उठना तो ह्यूमिडिटी, आज के बाद नहीं भूलोगे। विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर, विंड वेन वायु की दिशा, क्योंकि वेन डायग्राम से समझ जाओगे। और बैरोमीटर, जब ऊंचा उठता है तो मौसम शांत हो जाता है, जब नीचे गिरने लगता है तो तूफान आ जाता है, मतलब थम्सअप पीनी पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? सेकेंड बुद्धा काउंसिल विराटनगर, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर के कुंडलवन में। यहां पे भी लिख देता हूं कश्मीर के कुंडलवन में। तो क्या लगता है भाई? गुड मॉर्निंग शुभम भारद्वाज जी, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। न्यूमिस्मैटिक क्वाइंस के अध्ययन को कहते हैं मेरे दोस्त विवेक सिंह गोरखपुर, बहुत बहुत नमन है उस धरती को गोरखपुर की, जहां से हमारे योगी बाबा आए हैं, बहुत अच्छी धरती है वो भी, बहुत बढ़िया यार। डियर मैं जब पढ़ाता हूं तब मुझे कुछ नहीं दिखता, तब मुझे केवल यही दिखता है कि मैं अपना 200% तुमको कैसे दे सकता हूं। तत्व जो है वो सबसे ऊपर रहता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब ऐसे आंसर आते हैं तो खाने की जरूरत नहीं होती है, पेट ऐसे ही भर जाता है, कोई बात नहीं। तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल सर कहां पर हुई थी? सर पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय सर राजा कौन था? सर सम्राट अशोक हुआ करते थे राजा। सर अध्यक्षता किसने की थी? सर अध्यक्षता की थी आपके मोगली पुत्र ने, मोगली पुत्र ने, अरे मोगली पुत्र, मोगली पुत्र ने की थी। ठीक है सर, इसमें क्या हुआ था? सर इसमें अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। किसको सर? सर अभिधम्म पिटक को इसमें संकलित किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। सर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? सर यह राजगृह में हुई थी। सर कहां पर हुई थी? सर राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु, अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। सर अध्यक्षता किसने की थी? सर महाकश्यप ने की थी। सर किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और क्या हुआ था? सर इसमें विनय पिटक और सुप्त पिटक दोनों को संकलित किया गया था। एक तीन को याद रखिएगा, क्योंकि जैसे हमारे यहां हमारे वेद पुराण ये सब हैं, इसी प्रकार बौद्धिज्म में पिटक का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहली काउंसिल में विनय पिटक और सुप्त पिटक को संकलित किया गया था, और थर्ड वाले में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। डियर ये तीन पिटक हैं, और ये तीनों पिटक तुमको पता होने चाहिए किसमें किसमें संकलित किए गए थे। वेरी गुड, महाकश्यप, महाकश्यप, वेरी गुड। तो इसी बात में हम दूसरे को भी देख लें कि सर दूसरा कहां पर हुआ था। तो डियर ये वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? सर वैशाली में। राजा कौन था? सर कालाशोक था। कौन था? सर कालाशोक था। अध्यक्ष किसने की थी? सर्वकामी ने की थी। कौन था अध्यक्ष? तबस्त कामनी या सर्वकामी। सर इसमें क्या हुआ था? तो इसमें भी आप लिख लीजिएगा कि सर इसमें क्या हुआ था। सर बुद्धा धर्म दो भागों में बटा था, एक तरफ हो गए थे स्थावर और दूसरी तरफ हो गए थे महासांघिक। महासांघिक, एक ही बार में हर चीज बार बार रिवाइज कर लो, तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक ही जगह पर हम सब चीजें सीख लें, बार बार हमको किताबें ना पलटनी पड़े। और इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी बचा चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल। तो डियर ये कहां पे हुई थी? सर ये कश्मीर में हुई थी। किसके समय में हुई थी? सर हर्षवर्धन के समय में हुई थी। और बुद्धा धर्म जो है हीनयान व महायान दोनों में बट गया था, हीनयान व महायान दोनों में बट गया था। सर अध्यक्षता तो आपने बताई नहीं, सर अभी हम बता देते हैं, अध्यक्षता सर वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? सर वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। और उपाध्यक्ष कौन था? सर उपाध्यक्ष भी तो था इसमें, सर हां बिल्कुल था उपाध्यक्ष। सर ये अश्वघोष था। कौन था? सर अश्वघोष जो था वो उपाध्यक्ष हुआ करता था।
अश्वघोष उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये चार के चारों बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो बार बार क्यों बेकार में रटते हो, एक ही बार क्यों नहीं रट लेते हो? एक बार रट लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। लगातार इस चीज को सीखते चलो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चलो, ताकि पूरे के पूरे एग्जाम का धुआं धुआं कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा एग्जाम में। आरती बिल्कुल डियर, थैंक यू डियर, थैंक यू सर। मार्कर चेंज कर दीजिए। ठीक है डियर, मैं मार्कर अभी चेंज कर देता हूं। मैं एक आपका ब्लू ले लेता हूं, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरीके से प्लीज ध्यान में रखिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक बार पढ़ो, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, हमेशा के लिए आपको ध्यान में आ जाएगा। ओ यस 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 यस, अरे अरे एक मिनट भैया, कनिष्क है, कनिष्क, कनिष्क कौन है? कनिष्क, मैंने क्या लिख दिया? हर्षवर्धन, अभी अभी एकदम से दिमाग में आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दीपक कुमार भाई थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कनिष्क है या कनिष्क है, दिमाग से निकल गया मेरे एकदम से। कनिष्क ने की थी, और कहां पर हुई थी? सर कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अवेयर स्टूडेंट की यही सबसे बड़ी अच्छी होती है कि वो एक टीचर को भी क्या कहते हैं, कभी अगर उसके द्वारा कोई गलती कर दी जाए तो भैया उसको भी ठीक कर दिया जाए। मेरे दिमाग से कैसे स्लिप कर गया हर्षवर्धन पता नहीं, लेकिन कनिष्क होगा राइट आंसर। इस चीज को प्लीज ध्यान में देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभाकर वर्धन थे, भाई का नाम राज्यवर्धन था, बहन का नाम राजश्री था। बिल्कुल 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 ठीक है यार, ओके ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म आपको सुमेलित दिख रहा है? हम्पी, भीमबेटका, फतेहपुर सीकरी, कोणार्क। भैया हम्पी की खोज किसने की थी? सर हम्पी की खोज किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा, विजयनगरा को आप जान भी रहे होंगे, कॉलिन मैकेंजी। कौन था सर? कॉलिन मैकेंजी। इस बार का एक क्वेश्चन आया था, कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की खोज किसने की थी? सर कॉलिन मैकेंजी ने की थी। उन्नत वाजपेयी जी, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को प्लीज रट आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, आधी से ज्यादा कोर्स आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सर। भीमबेटका, सर भीमबेटका कहां पर है? सर छत्तीसगढ़ में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? सर मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा यार, इनकरेक्टली स्पेल्ट, नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में माना जाता है। भैया सामवेद का एक उपवेद हुआ है, एक उपवेद भी हुआ है, और इसको कहते हैं क्या है? सर गंधर्व वेद। सर क्या कहते हैं? सर गंधर्व वेद भी कहते हैं। अब आपको आंसर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, सर जब यह लिखा है तो ऋग्वेद का भी लिख दीजिए, तो ठीक है भाई ऋग्वेद का भी लिख देते हैं। सर ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? तो सर इसका होता आयुर्वेद। तो अब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस कहां पर है? सर आयुर्वेद के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए। यजुर्वेद, सर यजुर्वेद का फिर क्या होता है? भैया इसमें तो राजाओं के बारे में है ना, तो राजाओं के बारे में जब है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह धनुष से संबंधित होगा, धनुर्वेद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर धनुर्वेद इसका आंसर होता है, धनुर वेद, ठीक है। तो सर फिर अथर्ववेद का क्या होगा? सर अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? सर इसमें शिल्प वेद आता है, शिल्प वेद आता है, ठीक है। तो चारों के चारों वेद और चारों के चारों उपवेद भी आपको पता चल गए होंगे, बहुत वेरी नाइस। दैट इज संगीत और कला, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, संगीत और कला। गंधर्वों का डांस ही चलता रहता है इंद्र भगवान की सभा में, तो आपको बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस विशाल यादव जी, थैंक यू डियर, थैंक यू डियर, ठीक है। तो संगीत और कला, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मेरा एक भाई कह रहा था न्यूमिस्मेटिक्स, तो न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? न्यूमिस्मेटिक्स में, ठीक है। एक भाई अभी लिख रहे थे न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करना, ठीक है। क्वेश्चन मैं तुमको तुम्हारे दिखा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? भैया पहचानना तुम्हारा काम है, बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि
इसमें एक किताब ऐसी है जिसको लिखने वाली को क्या टाइटल दिया गया है, सर नाइटिंगेल का टाइटल दिया गया है। किसका दिया गया है? सर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। इन्हीं को भारत कोकिला का भी टाइटल दिया है। किसको दिया गया है सर? क्या दिया गया है सर? सर भारत कोकिला का भी टाइटल दिया है। अच्छा, तो दिया किसने था? सर यही महात्मा गांधी जी ने दिया था इनको। महात्मा गांधी जी ने दिया था इनको, महात्मा गांधी जी ने दिया था इनको। और ये महात्मा गांधी जी के साथ सेकेंड गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी गई थी। सेकेंड गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोले तो गोल मेज सम्मेलन, तीन गोल में सम्मेलन हुए थे। इसमें ये महात्मा गांधी जी के साथ गई थी। एक तरफ तो महात्मा गांधी जी थे और एक तरफ ये थी जिनकी एक किताब है, ठीक है। और सर इनकी एक और किताब है, सर इनकी ब्रोकन विंग्स भी किताब है। दोनों के दोनों आपका कमीशन आपसे पूछ चुका है, तो क्यों नहीं एक ही जगह याद कर लेते हो? तो आंसर क्या होगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मेरे भाई, क्या होगा? शिवम कुशवाहा, वेरी गुड प्रतिभा जी, वेरी गुड। शीतल रानी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुमन चौरसिया जी, सूरज के 90 ब्लॉक्स, मेरे दोस्त वो नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर होगा दैट इज गोल्डन थ्रेशोल्ड होगा आंसर। और किसका है भैया? सरोजनी नायडू जी। कौन है? सरोजनी नायडू जी, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर भी रही है, आपको पता भी रहना चाहिए यह चीज। सरोजनी नायडू जी, महात्मा गांधी के साथ कौन गया था? सरोजनी नायडू जी। महात्मा गांधी ने इनको टाइटल दिया भारत कोकिला, समझ रहे हैं? भारत कोकिला। तो प्लीज याद कर लेना, और ज्यादा ज्यादा याद बढ़िया मस्त एक थम्सअप का बटन भी जरूर दबा दिया करो, ठीक है। एनी बेसेंट आयरलैंड होम रूल लीग, वो बात बिल्कुल ठीक है डियर, लेकिन आपके कमीशन ने जो आपसे पूछा है वो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं होम रूल से संबंधित रहे हैं आपके कौन? महात्मा गांधी जी। इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो ये जाएगा, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, क्योंकि ये किताब लिखी है किसने? सरोजनी नायडू जी ने। और इन्होंने ये किताब भी लिखी है, कौन सी? सर ब्रोकन विंग्स भी इन्हीं की किताब है। सर ब्रोकन विंग्स भी इन्हीं की किताब है। तो दोनों के दोनों प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि एक जरूर आपसे यहां क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए। और भैया 1925 में कानपुर का सेशन हुआ था, कानपुर का सेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थी? भैया सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू थी भैया, याद रखना, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सर वो एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सर वो एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता सेशन, समझ रहे? लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भैया याद रखना, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। दीपक कुमार जी, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगता है कि देखो आप लगातार अपना ड्यूटी को भी कर रहे हो और साथ में क्या कहते हैं आप क्लास भी ले रहे हो, यही होता है सिलेक्शन की सबसे बड़ी पहचान डियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू से संबंधित आई थिंक सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत बढ़िया। 1917 भी क्लियर हो गया, कानपुर सेशन भी क्लियर हो गया, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है आपकी, तो आपको वो भी क्लियर हो गया कि सर सरोजिनी नायडू जी थी। महात्मा गांधी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया, तो आपको ये भी क्लियर है, सरोजिनी नायडू। और ये जितने क्वेश्चन लिखे हैं जाके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, वेरी गुड। और एनर्जी बिल्कुल कमजोर नहीं होगी, ना तुम्हारी और मेरी तो कभी होती ही नहीं है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अधिकारी कभी थकता नहीं है, ठीक है। जीका वायरस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय, भैया जीका वायरस किससे होता है? जीका वायरस भैया, ये जीका रोग जो हो जाता है ये भैया एक से होता है, ठीक है। इसी में कोई एक है जो डेंगू के लिए भी उत्तरदायी है, जो सर येलो फीवर के लिए भी उत्तरदायी है। किसके लिए सर? येलो फीवर के लिए भी उत्तरदायी है। इसी में एक है जो चिकनगुनिया के लिए भी उत्तरदायी है। किसके लिए सर? सर चिकनगुनिया के लिए भी उत्तरदायी है, और वही वायरस जो है जीका के लिए भी उत्तरदायी है। लगातार तीन बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पर भी आ चुका है, इस पर भी आ चुका है, इस पर भी आ चुका है, और एक और नाम आ गया, यह हड्डी तोड़ बुखार होता है, कौन सा? डेंगू। तो कौन सा आपको लग रहा है?
नवीन राजपूत जी वेरी गुड, प्रतिभा जी वेरी गुड, नवीन राजपूत भाई वेरी गुड भाई, वेरी नाइस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान में रखिएगा फाल्गुनी मिश्रा जी, ध्यान में रखिएगा ये चारों के चारों जो आप देख रहे हैं बीमारियां, ठीक है, डेंगू, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकनगुनिया, सबके सब एक ही फैमिली वाला वायरस कर, एक ही फैमिली वाला मॉस्किटो करता है और उसको कहते क्या है, एडीज आपका मॉस्किटो, और इसी को कह देते हैं एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी। तो प्लीज याद रखना एडीज वायरस, एडीज मच्छर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड जीका। तो प्लीज याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। विवेक सिंह गोरखपुर जी आप ब्लॉक नहीं हो गए हैं डियर, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, बहुत सही तैयारी कर रहे हो, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, ठीक, बहुत बढ़िया। आरती जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ठीक है ना, एडीज मच्छर। तो प्लीज याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भूलना मना है, क्योंकि भूल गए तो फिर सिलेक्शन दिक्कत कर सकता है, और मैं अपनी क्लास में तुमको कभी नहीं भूलने दूंगा, यह गारंटी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्रा ड्यूरा पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप था जो दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में बजाया जाता था, बागवानी की शैली थी, इट वॉज अ स्टाइल ऑफ गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर, इट वॉज अ टेक्निक फॉर द इनले ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड जेम्स इनटू स्टोन वॉल्स, पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक कला है, एतमादुद्दौला का मकबरा, यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की पेंटिंग शैली है। क्या लगता है आंसर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, प्लीज एक बार थम्स अप जरूर कर देना यार, और लाइक शेयर जरूर करना। यूनिक पर्सन जी दिख रहे हैं आप, बिल्कुल दिख रहे हैं डियर, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। अनिल कुमार भाई वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, हर्ष वासले जी, अनिल कुमार वेरी नाइस, अनिल कुमार, प्रतिभा जी वेरी गुड, धर्मेश कुमार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दिया डियर, ये है आंसर, ये तीसरा है आंसर, मैं जानता था तुम भूल सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक मस्त पिक्चर लेकर के आया हूं, अब नहीं भूल पाओगे। ये देखो, ये देख रहे हो ताजमहल का एक कटिंग मैंने काट करके इसमें रखी हुई है, आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये डियर ये कोई आर्ट नहीं की गई है, इसमें कोई आर्ट नहीं की गई है, ये पत्थरों को काट करके इसमें बिल्कुल लगाया गया है, जो पत्थरों को काट करके इस तरीके से लगाया जाता है यही शैली क्या कहलाती है, दैट इज पित्रा ड्यूरा, यही शैली क्या कहलाती है, दैट इज पित्रा ड्यूरा। और मुगल इमारतों में एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा पहला मकबरा था जिसमें इसको यूज किया गया था, एतमादुद्दौला का मकबरा, समझ रहे हैं इस चीज को, पित्रा ड्यूरा शैली यूज की गई थी। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब देखिए विजुअलाइजेशन करने से कभी नहीं भूला जाता, गढ़वाली भाई बहुत अच्छी बात है, तुम कभी नहीं भूलते, ईश्वर यही तुम्हारे अंदर क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करे, ना तुम क्लास को भूलो ना मुझको भूलो, और तुम अपने सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लो, ठीक है, वेरी नाइस। आर्ट ही लग रहा है सर, डियर आर्ट लग रहा है एनी जी आपको, लेकिन ये अलग से प्रीशियस स्टोन्स को काट करके इस तरीके से लगाया गया है, तभी इस क्वेश्चन को पढ़ रही होंगे आप। तो इसमें क्या लिखा है, यह पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक थी, मुगल काल की इमारत है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इट इज द राइट आंसर, दैट इज थर्ड, आपके सामने लिखा हुआ है, अब आप इस चीज को मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जायद की फसल है? हमेशा याद कराया है यार, हमेशा याद कराया है, अब कैसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, हमेशा लिखाया है तुमको, क्या ताऊ खीरा खाकर मरे, कौन सर, ताऊ खीरा खाकर मरे, खीरा खाकर मरे, तो सर ताऊ से क्या होता है, सर ताऊ से हो जाता है हमारा तरबूज, तरबूज वाटरमेलन, सर खीरा, खीरा तो रहेगा ही रहेगा, सर खीरा तो रहेगा ही रहेगा, और खाकर, खाकर में क्या आ जाएगा, सर खरबूजा, सर इसमें आ जाएगा खरबूजा, और कहां से आ जाएगा, ककड़ी,
पता नहीं 500 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो अब आप क्यों भूल जाओगे इस चीज को मुझे समझ में नहीं आता। हमेशा के लिए तुमको याद हो जाना चाहिए तरबूज और आपको ककड़ी, खीरा, ये सब चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। वेरी गुड, और याद है भी। देखिए सबके सब बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, वेरी नाइस। यही तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहता हूं, और यही कॉन्फिडेंस जिस दिन प्राप्त कर लिया हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर इसी में मैं तुमको एक बार उसका भी लिख करके दे दूं रबी की फसलों का, तो तुमको हमेशा के लिए हर चीज याद हो जाएगी, कभी तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, अरे गधा बाजा को मत बजा, खरीफ का पहले लिख लेते हैं, अरे गधा बाजा को मत बजा। तो अरे में क्या आ जाएगा, डियर अरहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरहर। गा से क्या आ जाएगा, सर गन्ना आ जाएगा। धा से क्या आ जाएगा, सर पानी बहुत चाहिए होता है तो खरीफ हो गया। बा से क्या आ जाएगा, सर बाजरा आ जाएगा। जा से क्या आ जाएगा, सर ज्वार आ जाएगा। का से क्या आ जाएगा, सर कपास आ जाएगा। मां से क्या आ जाएगा, सर मूंगफली आ जाएगा और मक्का आ जाएगा। मूंगफली आ जाएगा और सर मक्का आ जाएगा। ता से क्या आ जाएगा, सर तिलहन आ जाएगा। तो हमेशा के लिए तुमको याद हो गया होगा, अब तुम भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। सर 11 एम, तो भूलना भी चाहोगे तो अब नहीं भूल पाओगे, हमेशा के लिए याद हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया यार। सर मेरे को लग रहा है हम लोगों को बोल रहे हैं। डियर मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल रहा हूं, हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में एक चीज पेस्ट करना चाहता हूं ताकि तुम भूल ना पाओ। खरीफ की फसल है, ये कौन सा है, ये खरीफ की फसल है, पानी जरूरी होता है। तो इसका मतलब सर गेहूं किसकी हो गई, सर ये रबी की फसल हो गई, अब बोया जाएगा इसको। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यदुवंशी संध्या जी, थैंक यू डियर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एसएससी का कॉम्बो बैच भी चल रहा है, और भैया कॉम्बो का क्या मतलब, सर पूरी की पूरी तैयारी एक ही बार में करा दी जाएगी और कुछ नहीं बचेगा पेपर में, जब साथ है एग्जामपुर का, समझ रहे हो, एग्जामपुर का जब साथ है तो 500% टीचर अपनी मेहनत करेगा, क्योंकि यहां पर कर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझको यह लगती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्शन जिसकी सही है वो हमेशा मछली की आंख पर तीर लगा देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, चलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिए। 50% पूरा ऑफ दिया जा रहा है, जल्द से जल्द आप फोन कॉल उठाइए, नंबरों पर संपर्क कीजिए और ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस शहर में होनी है, भैया ये चार बार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ध्यान में रखिए चार बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, और यह चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी को पता है, लेकिन इस बार जो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ध्यान में रखिएगा, एक तो वो है एशिया कप, क्योंकि एशिया कप में जीता कौन है, श्रीलंका, श्रीलंका जीती है, तो आपको पता होना चाहिए, इस चीज को भूलिएगा अब नहीं। और साथ में और क्या सर, आईसीसी वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, सर आईसीसी वर्ल्ड कप सर जो 2023 में होने वाला है, सर वो कहां पर होने वाला है, तो डियर वो भारत में होने वाला है। वो कहां पर होने वाला है, सर वो भारत में होने वाला है। तो सर आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 वाला कहां पर होने वाला है, तो इसको लिख दीजिएगा, सर ये वहीं पर होने वाला है जहां पर आपका चीता आया है। चीता भाई जहां से आए हैं आपके, वो दक्षिण अफ्रीका, सर नामीबिया, एक ही बार में याद कर लिया करो यार, बार बार रटने की जरूरत नहीं होती है, बार बार रटने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको अच्छा है कि एक बार दो बार तुम याद कर लो। वहीं से होगा वर्ल्ड कप जहां से चीता भाई आए हैं हमारे। कहां से आए हैं चीता भाई, तो सर नामीबिया से आए हैं, और गए कहां पर है, तो सर पालपुर कूनो अभ्यारण्य में गए हैं। कहां गए, सर कूनो अभ्यारण्य में गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हैं। सर ये कहां पर है, सर ये मध्य प्रदेश में है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा और भूलने की गलती मत कीजिएगा। सर 2024 का ओलंपिक कहां पर हो रहा है, तो सर ये ओलंपिक कहां पर हो रहा है, सर ये ओलंपिक हो रहा है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। तो इस चीज को भी याद रखो, लगातार रिवाइज करते रहो, क्योंकि भूलना मना है और बहुत से लोग भूलते हैं भी नहीं। बहुत बढ़िया विवेक सिंह गोरखपुर, 2027 अफ्रीका नामीबिया जिम्बाब्वे, वेरी गुड, बहुत वेरी
बहुत बढ़िया यार, आई थिंक बहुत आसानी से कम लगातार तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक बहुत मजबूती से तैयार होता चला जा रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, किस स्थल पर आयोजित किया गया था, किस स्थल पर आयोजित किया गया था। देखो बार बार उसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक बार तुमको मैंने पूरा बता दिया, पूरा बता दिया, अब उसमें कुछ नहीं बचा। बहुत बढ़िया, 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है डियर, बहुत बढ़िया। चार चार साल पे होगा, 24 में कहां पर होगा सर, पेरिस में। और फिर इधर आ जाओगे थोड़ा सा और आगे तो 2028 में कहां होगा सर, लॉस एंजल्स आपके अमेरिका में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। कश्मीर, और कश्मीर का पूरा लिखिएगा, दैट इज कुंडल वन। सर कहां पर, सर कुंडल वन। सर किसकी अध्यक्षता थी, फिर से याद हो जाना चाहिए, सर अशुघोष, सॉरी अध्यक्ष कौन था, सर अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे सर, ये थे अशुघोष। राजा कौन था सर, कनिष्क, सर कनिष्क। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। भैया एसएससी वाले जितने भी देख रहे हो, अगर पुरानी तुमको मेरी क्लास याद हो तब तभी मैंने तुमको इसके बारे में वो आर्टिकल बता दिया था, वो आर्टिकल 500 बार मैं इस चीज में बता चुका हूं। ये देख लो, इसीलिए होता है कि कहां पर ट्रिक मारनी चाहिए और कहां पर हिट मारना चाहिए चीजों को, वो बहुत आसानी से आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होने लगती है। ठीक है, 85 में क्या है सर, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रोविजन है। संसद के सत्र को बुलाना, सम्मन करना, उसका प्रोरोगेशन करना और उसका डिसोल्यूशन करना, तीनों तीनों काम कौन करता है सर, भारत का राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के सेशन को बुलाते हैं, संसद के सेशन को प्रोरोगेशन करते हैं और संसद के सत्र का डिसोल्यूशन करते हैं। तीनों के तीनों कौन करते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, अंदर आर्टिकल 85 में आपको यह चीज पता होना चाहिए। राहुल चौधरी भाई, 97 में क्या लिखा हुआ है, संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहां के सर, लोकसभा के, और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनके वेतन के बारे में लिखा गया है, वेतन भत्ते सैलरीज के बारे में लिखा गया है, सैलरीज के बारे में लिखा गया है 97 में, प्लीज ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या होगा, 93 में लिखा गया है, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, एक अध्यक्ष। बहुत बढ़िया संध्या चौहान, वेरी गुड, वेरी गुड अनीता शर्मा जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 97 में सैलरी अलाउंसेस हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिस्टर जाट भाई, बहुत बढ़िया, 93। जाट भाई तो हमारी डेली क्लास में रहते हैं तो मुझको समझ में आ रहा है कि 93 उनको बहुत आसानी से याद हो गया होगा, और अब वो भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल सकते। ठीक है सर, 100 में क्या है डियर, 100 में एक शब्द को याद रखिएगा, दैट इज कोरम। क्या हिंदी में कहते हैं, गणपूर्ति, इससे संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। कोरम वो होता है कि भैया हर हाल में संसद को चलने के लिए 1/10 मेंबर होने चाहिए। अगर लोकसभा में 550 मेंबर हैं तो 1/10 मतलब 55 मेंबर वहां पर होने चाहिए, अन्यथा वो चालू नहीं होगा। योगी मिश्रा मेरे भाई, 100 में संयुक्त अधिवेशन नहीं है बेटा, 108 में है ज्वाइंट सेशन, 108 में है ज्वाइंट सेशन, ध्यान में रखो 108 में है ज्वाइंट सेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन 100 में नहीं है मेरे दोस्त, 100 में कोरम के बारे में लिखा हुआ है, गणपूर्ति के बारे में लिखा गया है। जाट भाई ने बहुत बढ़िया लिखा, 1/10 होना चाहिए। राज्यसभा के मेंबर अगर 2
50 हैं तो भाई 25 मेंबर हर हाल में होने चाहिए, अन्यथा सेशन चालू नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितनी भी आपके पेपर में जीके जीएस आती है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सबके लिए रामबाण है। इस चीज को मैं आपको लिख करके दे दूंगा और जितने क्वेश्चन करा दूंगा आपको वहां पर आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, यह भी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर या 26 नवंबर, कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब क्या लगता है इसका आंसर, हर साल संविधान दिवस कब मना रहे हो भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एडॉप्ट कर लिया था, हमारे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, डेट भी दी गई है 26 नवंबर 1949 और इसको हमने एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, हमने एडॉप्ट कर लिया था। 15 अक्टूबर प्रिया वर्मा जी नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को एडॉप्ट कर लिया था। उसी दिन को सम्मान देने के लिए हम 26 नवंबर को मनाते हैं क्या संविधान दिवस? बेसिक सी चीज है, कभी कभी गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लगता है भाई इसका क्या लगता है इसका आंसर दीजिए इसका आंसर प्लीज। आंसर भाई, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। इसका आंसर क्या होगा डियर, प्लीज हरी अप, वेरी गुड, अच्छा आंसर आ रहा है, बी 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 आंसर दिया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी डियर सॉइल साइंस होता है, सॉइल साइंस होता है, मृदा विज्ञान होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी की जानकारी ली जाती है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान होता है, इसमें कल्चरल ज्योग्राफी को देखा जाता है डियर, इसमें कल्चरल को देखा जाता है। जल विज्ञान ओशनोग्राफी से भी संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है डियर। डेमोग्राफी पॉपुलेशन से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन पेडोलॉजी जो है डियर, ये सॉइल साइंस से संबंधित होती है। वेरी गुड प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया। सुहानी वर्मा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योगी मिश्रा भाई, वेरी गुड। जाट भाई, मिट्टी, बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही होगी डियर, प्लीज आप रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। वॉइस आ रही होगी डियर, वॉइस आ रही होगी डियर। नागेंद्र भाई मेरे, बी को घुमा करके ऐसे कर दो तो पीडियोलॉजी आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया विवेक सिंह गोरखपुर, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टी एन चतुर्वेदी भैया, इसको जरूर याद कर लेना, सीएजी भी रहे हैं भाई साहब, गवर्नर भी रहे हैं और इस समय एक्सपायर कर गए हैं। कहां के थे ये गवर्नर? केरल के, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये, तो ध्यान में रखिएगा। क्या लगता है आंसर? क्या होगा? टी एन चतुर्वेदी हाल में ही निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत बढ़िया भारती चौधरी जी, प्रतिभा जी, वेरी गुड। भाई सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही होगी डियर, आई थिंक सबको आ रही है डियर, सभी को आ रही है डियर। प्लीज देखिए, आंसर इज कर्नाटक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करता है? भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करता है? क्या लगता है आंसर? क्या लगता है भाई आंसर?
बहुत बढ़िया, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एसबीआई, आरबीआई को मत ले आना मेरे दोस्त, आरबीआई को मत लेके आना, एसबीआई को लेकर के आना। एसबीआई इज द राइट आंसर, ओनली इंस्टीट्यूशन टू इंडिया टू इश्यू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा डियर, ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आरबीआई नहीं, एसबीआई। हो जाती है छोटी छोटी गलतियां और यही आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एसबीआई, एसबीआई इज द राइट आंसर, थम्स अप, बिल्कुल थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन कैपिटल को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ब्रॉन्ज का लायन एक स्तंभ संसद पर अभी अनावरण किया था उसका। तो भैया वो लायन कैपिटल को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1976? एसबीआई इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नीति आयोग नहीं होगा प्यारे धनंजय कुमार मेरे दोस्त, नीति आयोग नहीं होगा। रोहित बन्ना, रोहित भाई 2 अक्टूबर कह रहे हैं, 2 अक्टूबर तो है ही नहीं, आंसर ही नहीं है यार। मोनिका शर्मा, वेरी गुड, बी 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 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दैट इज 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? भैया इसमें कौन सा ऐसा इंसान आपको दिख रहा है जो कि स्टैटिशियन था? कौन था, किसका नाम आपको समझ में आ रहा है? जबकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में ही हो गई थी। तो कौन लगते हैं, जेएम सेन गुप्ता साहब, शुभेंदु शेखर बोस जी, आर एन मुखर्जी जी या पीसी महालनोबिस? पीसी महालनोबिस, बहुत बढ़िया यार, योगी मिश्रा, वेरी गुड, प्रदीप गुर्जर भाई, वेरी गुड, महालनोबिस, बहुत बढ़िया। बस यार ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर देना और एक बार मुझे सपोर्ट जरूर करना। मैं 200% या 500% तुमको गारंटी दे दूंगा, तुम्हारे अधिक से अधिक पेपर के क्वेश्चन मैं यहीं से तुम्हारे सामने निकाल करके रख दूंगा। जितनी ज्यादा मेरी क्लास होंगी तुम्हारे में उतने ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और 200% है। पेपर देने जाओगे तो केवल कॉन्फिडेंस यहां पर होगा, इस चीज की गारंटी है। आंसर बहुत सही दिया है, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? कौन से वन है जो मानसूनी वन कहलाते हैं? और सबसे मजे की बात बताऊं, इनमें से कोई एक ऐसा फॉरेस्ट है जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में ओवरऑल जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, भारत में माउंटेन फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी है, एवरग्रीन भी है, मैंग्रोव भी है, लेकिन एक फॉरेस्ट इसमें ऐसा है जो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। भारत के ओवरऑल एरिया के कंसीडर किया जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है कौन सा भारत में पाया जाता है, वही आंसर होगा इसका। क्या लगता है, प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, वेरी गुड, सुहानी वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे डियर। अंशुल पांडे जी, पूजा साहू, बहुत अच्छे। देखिए हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबके सब कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं। तुम गलत भी आंसर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज गलती करो पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। बहुत बढ़िया आंसर दे दिया भैया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, भाई इसी को कहा जाता है क्या? मानसूनी वन भी इसी को कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? मेरे भाई आंख बंद करके निशाना मार देना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया, बी बी इज द राइट आंसर नागेंद्र भाई मेरे, सी नहीं होगा मेरे दोस्त। भारत में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मेरे दोस्त कहां कहां पाए जाते हैं? अधिकतर तुमको वेस्टर्न घाट के इलाके में दिखाई देंगे, वेस्टर्न घाट के इलाके में मेरे दोस्त तुमको दिखाई देंगे, थोड़ा सा ये तमिलनाडु के कोस्ट में दिखाई देंगे, फिर इधर आ जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में तुमको मेजर दिखाई देगा तुम्हारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, समझ रहे हो? लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट बहुत हद तक पूरे भारत में फैले हुए हैं, तो आंसर मेरे दोस्त उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा, मानसूनी वन इसी को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार सोनकर भाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत लगा दी जाती है मेरे दोस्त, तो वो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टील को सॉफ्ट करना, स्टील को गर्म करके सॉफ्ट बनाने की प्रक्रिया, मुलायम बनाने की प्रक्रिया तो भाई एनीलिंग कहलाती है, मुझको बचपन से याद है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, बाकी बचा तुम्हारा क्या? स्मेल्टिंग और वेल्डिंग। अब इसमें क्या करेंगे, मेटल को ले लेंगे और गर्म कर देंगे और गल जाएगी वो। वेल्डिंग में क्या होता है, दो चीजों को जोड़ दिया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत सही आया, दैट इज गैल्वनाइजेशन। भैया गैल्वनाइजेशन के कारण क्या हो जाता है, जंग लगने से बच जाती है चीजें और लोहा जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गैल्वनाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो फिर से चली आई क्या, खरीफ की फसल फिर से चली आई। कौन सी फसल सर? फिर से चली आई खरीफ की फसल। अभी आपने बताया था, अरे गधा बाजा को मत बजा, अरे गधा बाजा को मत बजा, अरे गधा बाजा को मत बजा, अरे गधा बाजा को मत बजा। अब देख लो फिर से आ गया अपने आप। अब तुम समझ जाओ कि भैया कौन सी खरीफ की इसमें फसल होगी। ठीक है, ठीक, तो कौन सी होगी फसल? अच्छा जा से एक चीज और लिख लेना भैया, जूट। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां होता है? बंगाल साइड में, बांग्लादेश का इस पर अधिकार हो गया है एक प्रकार से, पानी की बहुत जरूरत होती है इसको भी। और भैया आंसर क्या हो जाएगा, वन। तो बार बार इस तरीके से याद कीजिए, जूट जूट जूट। देखिए सबके आंसर आ गए यार, बहुत बढ़िया। एनी जी गेहूं का मेरे दोस्त, गेहूं जो होती है, गेहूं जौ मटर ये तीनों राबी की फसलें हैं। ये कौन सी है? राबी की फसलें हैं। आपको बार बार कंफ्यूज कर सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। आज सच में राई ने गेम खेला, आज याद रख लेना, इसका भी तो अपने आप याद हो जाएगा। आज सच में राई ने गेम खेला, किसने? राई ने गेम खेला। आज सच में राई ने गेम खेला, तो आज का क्या हो जाएगा सर? आ से आलू, सर जा से जौ, और सच में क्या हो जाएगा? सच में सा से सर सरसों, सा से सर सरसों, चा से सर चना, मां को कर देना साइलेंट, मां में कर देना साइलेंट। राई का हो जाएगा राई, राई का हो जाएगा अपने आप राई, राई भी होती है भैया एक राई। ने को कर देना साइलेंट, ने से होगा कुछ नहीं, गे से लिख लेना गेहूं, गे से लिख लेना डियर गेहूं, और मां से लिख लेना मटर, मां से लिख लेना मटर। और खेला तो खेलने दो, हमें खेलने से कोई जरूरत नहीं है। तो गेहूं जौ मटर, गेहूं आ गया इधर, जौ आ गया इधर, मटर आ गया। इसीलिए कहते हैं एक ही बार अगर नोट कर लो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, मैंग्रोव बिल्कुल दलदली एरिया में पाए जाते हैं, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन इसको प्लीज याद रख लेना, आज सच में राई ने गेम खेला। आ से आलू, जा से जौ, जौ लिखा है मेरे दोस्त, ज्वार नहीं लिखा है, ज्वार नहीं लिखा है, ज्वार खरीफ की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, याद रखना। ज्वार बाजरा, जितने हमारे राजस्थान के भाई बहन हैं वो जान रहे होंगे इस चीज को, ज्वार बाजरा खरीफ की फसल होती है मेरे दोस्त। लेकिन जौ, जौ जो होती है राबी की फसल होती है। सच का क्या होगा? सा से सरसों, चा से चना, मां रहेगा साइलेंट, राई का राई, और ने भी साइलेंट, गेम को लख लेना गा से गेहूं, मां से मटर। पानी ले लेता हूं जरा। पानी दो, गरम गरम पानी दो, गला बहुत खराब हो रहा है।
ठीक है। तो भैया प्लीज याद कर लेना, भूलने की गलती नहीं करोगे। बहुत बढ़िया सासे सरसों, बहुत बढ़िया सासे सरसों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिजाइन, सेवानिवृत्त का मतलब होता है हट जाते हैं, ठीक है। कितने साल तक रहते हैं, तो सर छह सालों तक रहते हैं। कितने सालों तक, छह सालों तक। प्रति दो साल में कितने मेंबर हट जाते हैं, क्या लगता है? बहुत बढ़िया सूरज भाई, गेहूं और जौ एक ही टाइम पर होते हैं तो दोनों भाई भाई हुए कि नहीं हुए? जैसे मैं और तुम भाई भाई हुए, ठीक है। सुमित सूरज, ठीक है, वेरी गुड। वन तिहाई, वन तिहाई, वन तिहाई, बहुत बढ़िया। एक तिहाई, एक तिहाई, बहुत अच्छे भैया, एक थर्ड मेंबर। और यह भी आपको मालूम होगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह एक परमानेंट बॉडी है, यह एक स्थायी सदन है, इसका डेजोल्यूशन कभी नहीं होता है, राज्य का डेजोल्यूशन कभी नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जो ओसडू झील पक्षी अभ्यारण्य, भैया ये करंट अफेयर में चर्चा में रही थी, इसीलिए आपके कमीशन ने आपसे क्वेश्चन डाल दिया। ओसडू झील पक्षी अभ्यारण्य के एक हिस्से को समायोजित करता है। सीधी सी बात है कि ये कहां पर है, ये मुझे बता दो। थोड़ा सा तो मैं बता देता हूं कि भैया ये तमिलनाडु में भी है, ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु के अलावा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी को यह टच कर रही है। तो कौन सा आंसर आपको लगता है, ओसडू झील अभ्यारण्य कहां पर होगा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पुदुचेरी या चंडीगढ़? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो हल्का सा भी अगर इशारा दे दिया गया तो तुमने आंसर पकड़ लिया, और यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने आंसर को पकड़ लिया, यह दिखाता है कि तुम्हारा माइंड जो है वो बहुत एक्टिव है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। अरे मिजोरम नहीं होगा मेरे दोस्त, पुदुचेरी को लेके आओ मेरे दोस्त, क्योंकि तुमको मालूम है कि तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी लगा हुआ है, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए उसने लिखा है एक हिस्से को समायोजित करता है। तो भैया तमिलनाडु में भी है और कहां पर है, पुदुचेरी में भी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट बोल देना सपोर्ट के लिए मुझे, ठीक है, यह गारंटी मेरी है। तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको दिखा दूंगा, और एनर्जी 1% भी लूज नहीं होती है, इस चीज को ध्यान में रखना, ना तुम्हारी ना मेरी। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा, अभी मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है इसका टाइम पीरियड लिख रहे थे, तो बहुत आसानी से उनको मालूम होगा कि भैया इसका कौन सा आंसर होगा। मिजोरम नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है, पुदुचेरी को ले आओ मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, पुडुचेरी, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, गांव का छोरा, क्या है बढ़िया नाम रखे हुए यार, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आंसर? अब दो आंसर, क्योंकि ये तुमने ऑलरेडी क्वेश्चन को अभी अभी सॉल्व किया था और सब लिख रहे थे सर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सब लिख रहे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। मसौदा तैयार करने में ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट की बात हो रही है, तो सर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आपको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सर इसमें कितने मेंबर थे, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इसमें कितने मेंबर थे, तो ध्यान में रखिएगा अध्यक्ष को मिला करके, अध्यक्ष को मिला करके टोटल मेंबर कितने हैं? 7। अध्यक्ष भी इसमें मिले हुए, इस चीज को याद रखिएगा, उसने पूछा है कि अध्यक्ष को हटा करके कितने मेंबर थे, तो 6। अध्यक्ष को मिला करके कितने मेंबर थे, तो 7, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, रेपो रेट या एसएलआर? भैया एक तरफ होता है डियर हमारा आरबीआई और एक तरफ होता है हमारे कॉमर्शियल बैंक, बोले तो वाणिज्यिक बैंक,
ये मैंने बता दिया है, लेकिन हमारे बहुत सारे नए भाई बहन जुड़ते रहते हैं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। डियर ध्यान में रखिएगा, इसको देखोगे तो ये पिताजी हुए और ये क्या हुआ, इनका बेटा या बेटी। ठीक है, ठीक। अब ध्यान में रखना, पिताजी से हम लोग पैसे लेते हैं कि नहीं? तो भैया ये पिताजी से पैसे लेते हैं हम लोग कि नहीं लेते हैं? सर बिल्कुल लेते हैं। जब जरूरत होती है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो वो आरबीआई से पैसा ले लेता है क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है। तो भैया जब ये पैसा लेता है बेटा पिता से तो इसको कहते हैं रेपो रेट, और जब उल्टा हो जाए पिता बेटे से पैसा लेना स्टार्ट कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, सर ये तो उल्टा हो गया, तो इसीलिए इसको उल्टा रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टा रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। डियर शॉर्ट टर्म लोन होता है ये किसके लिए होता है? सर अल्पकालिक होता है। ये कैसा होता है? सर ये अल्पकालिक होता है, सर ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और इसी के द्वारा आपके मुद्रा स्फीति और तरलता को समायोजित करने का प्रयास करती है आरबीआई कि बेटे को हम कितना पैसा दें। ज्यादा पैसा देंगे तो बेटा जो है बाहर जाकर के रसगुल्ले में खर्चा करेगा, इधर उधर जाकर के पैसा लुटाएगा और कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा। इसीलिए पिताजी हमेशा महीने का पैसा डाल देते हैं कि भैया महीने में अगर इसका 7,000 रुपए खर्चा है तो इसको 7,000 दे दो। 8,000 मांगेगा बच्चा तो पूछ लेंगे पिताजी कि भैया काहे के लिए चाहिए, समझ रहे हो? तो रेपो रेट हो गया, ठीक है। और कभी कभी जरूरत पड़ भी जाती है तो पिताजी 10,000 भी भेज देते हैं तो अल्पकालिक हो जाता है मेरे दोस्त। लेकिन जब उल्टा हो जाए, जब पिताजी बेटे से मांगना चालू कर दे तो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। इस तरीके से इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सरोज बिश्नोई जी बहुत अच्छी बात है, आपने डियर ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। ओके अनुज सागर भाई, बिल्कुल बिल्कुल मैं जान रहा हूं आप मैनपुरी से हैं, बहुत अच्छी बात है डियर, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर के चला जाऊं, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सुरमा सबसे लंबी नदी है, भैया दूसरा नाम इसका बता देता हूं तो याद आ जाएगा, बराक नदी। बराक नदी आप बता दो सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, जो उत्तर पूर्व भारत से निकलती है। भैया कहां से बहती है? चलो यह भी बता देता हूं सर, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है सर? मणिपुर की हिल्स से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है मेरे दोस्त। और यही बराक नदी के ऊपर भारत का नेशनल वाटरवे 6 है। किस पे है? बराक नदी पर है नेशनल वाटरवे 6। कहां से कहां तक है? लखीपुर टू भंगा। भैया पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। लखीपुर टू भंगा है नेशनल वाटरवे 6। किसके ऊपर? सर बराक नदी के ऊपर है। और बराक नदी निकलती कहां से? मणिपुर की हिल से निकलती है। तो सर इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सुरमा इसी का ही नाम है। सबसे लंबी नदी है वो किस देश में है, आपको पहले यह पता हो जाना चाहिए। बराक नदी जाती कहां पर है मेरे दोस्त? डियर 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 सब आंसर गलत दे रहे हो मेरे दोस्त। भैया बराक नदी जो है घूम करके आती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में एंटर कर जाती है मेरे दोस्त, म्यांमार में एंटर नहीं करती है। देखो धरेश वत्स जी का बहुत अच्छा आंसर आया, फाल्गुनी का बहुत अच्छा आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोली यादव जी बहुत आपका स्वागत है डियर, आपने ज्वाइन किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश 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 सुशीला देवी जी म्यांमार नहीं डियर बांग्लादेश, क्योंकि बराक नदी जो है मणिपुर से निकलती है और उसका ढलान जो है वो इस तरफ है तो ये बांग्लादेश की ओर आती है, ना कि आपके उल्टा जाती है म्यांमार की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं तो आपको तैयार होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बांग्लादेश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी विजिट हुई है शेख हसीना जी की, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाख मर्ज की एक दवा है, समझ रहे हो? लाख मर्ज की एक दवा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप क्यों ना अपनाए, समझ रहे हो? क्योंकि सारे के सारे तुमको चीजें यहां पर मिल जाती हैं।
फ्री में तुमको सारा मॉड्यूल मिल जाता है, सारे अपडेशन तुमको मिल जाते हैं। बस तुम्हारा एक काम है कि वो केवल और केवल तुमको इस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। अगर एक बार ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लिया तो भैया ये लाख मर्ज की एक दवा बन जाती है, और इस दवा को पीना तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों को सिलेक्शन लेना है, तुमको भी और मुझको भी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है? डियर ध्यान में रखना, यहां प्रशासन की बात कर रहा है मेरे दोस्त, यहां प्रशासन की बात कर रहा है। आंसर सोच समझ के देना, आंसर को सोच समझ के देना, क्योंकि यहां पे प्रशासन की बात कर रहा है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल धनंजय कुमार जी, जब होगा डियर आपको मेरी मस्त एक फोटो लगी हुई दिख जाएगी, जिसमें मैं मस्त मुस्कुराता हुआ ऐसे खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मस्त तुम मेरी फोटो देखना और ज्वाइन कर लेना, साथ में एग्जामपुर एसएससी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर भी क्लास लेता हूं। जनरली मैं 2 से 3 बजे क्लास लेता हूं एग्जामपुर एसएससी चैनल पर। तो ध्यान में रखिएगा, कमीशन एक ही है, जीके जीएस एक ही होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिएगा, यह गारंटी मेरी है। तुम्हारे पेपर का मेटीरियल तुमको मिल जाएगा और 200% है, तुमको दिख जाएंगी चीजें। ठीक है, भैया कौन कौन आंसर दे रहा है? बी 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 मेरे दोस्त, मैंने कहा था इसीलिए तुम्हारे सामने बहुत इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। भैया 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 रुक जाओ, लोकेश यादव जी, बहुत बढ़िया यार लोकेश भाई, मजा आ गया। कैबिनेट सचिवालय है मेरे दोस्त, कैबिनेट सेक्रेटरिएट है भाई मेरे, प्रशासन की बात कर रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो भैया कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है सर? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है मेरे दोस्त। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, यह तो हमारे मोदी जी का मतलब भारत सरकार का एक सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का महान्यायवादी कौन होता है सर? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है सर। कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है भैया, मोदी जी के सारे केस यही लड़ता है। संसद किस आर्टिकल में लिखी है सर? आर्टिकल 79 में संसद लिखा हुआ है, 80 में सर राज्यसभा लिखा हुआ है सर, 81 में लोकसभा लिखा हुआ है, तीनों एक ही जगह पर याद हो जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन से आर्टिकल है? तो सर आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक भैया सुप्रीम कोर्ट से प्रोविजन दिए गए हैं, तुमको पता होने चाहिए। और ध्यान में रखना, लाइक शेयर और थंबनेल का बटन दबाए बगैर तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अब मेरे साथ तुम हमेशा के लिए यहीं पे जुड़े रहोगे। तुम छोटे भाई मैं बड़ा भाई, तुम छोटी बहन मैं बड़ा भाई। ठीक है, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजीव गाबा अभी कैबिनेट सचिव है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्लीज। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे आइलैंड अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया गया था? पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? कैथरीन ब्रेगेंजा, कैथरीन ब्रेगेंजा। भैया दहेज दिया था इन लोगों ने, तो भैया दहेज के ये लोग सपोर्टर थे, हम लोग दहेज के सबसे बड़े विरोधी हैं। ठीक है, हम लोग दहेज के सबसे बड़े विरोधी हैं। तो दहेज के रूप में दिया था बॉम्बे को, बॉम्बे को दे दिया था भैया दहेज के रूप में। तो कब दिया था, कब शादी हुई थी इनके बीच में? 67 78 98 61। क्या लगता है? वाह, यूनिक पर्सन जी ने कितना अच्छा लिखा है, कह रहे दो दो बार लाइक कर देना, तीसरी बार यूनिक पर्सन की तरफ से लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है भाई? सुहानी वर्मा जी, वेरी गुड। आरती नागरवाल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। ऋतिक भाई नहीं, थोड़ा सा और नीचे कर दो, 4 ईयर घटा दो उसमें से। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, 60 61 है, 60 61 है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैराइटल अलायंस हुआ था और 61 में दे दिया गया था बॉम्बे किसको? दैट इज चार्ल्स सेकेंड को। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया। पुर्तगाली, अच्छा पुर्तगाली भैया सबसे पहले कौन आए थे सर? सबसे पहले आने वाली पावर कौन सी थी सर? 1498 में पुर्तगाली आए। तो सर सबसे बाद में जाने वाली पावर कौन सी थी? सबसे आखिरी में कौन गया? सबसे
लास्ट में भारत से जाने वाले कौन थे, तो ये भी यही लोग थे। 1961 में भैया ऑपरेशन विजय चलाया था भारत सरकार ने, ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको दमन दीव और गोवा से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। विवेक सिंह गोरखपुर भाई 61 होगा, परेशान क्यों होते हो यार, तुम यार चैंपियन आदमी हो, गलती होती रहती है, ठीक है, पेपरों में तुम गलती नहीं करोगे, बस मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भैया सबसे आखिरी में भी पुर्तगाली गए, सबसे पहले आए, ऑपरेशन विजय के थ्रू ये लोग यहां से गए थे। इस चीज को भी तुम याद रखना भैया, इस चीज को भी याद रखना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? भैया ये मैंने कल भी पढ़ाया था, लेकिन ये कल मैंने जब पढ़ाया था डियर, तो मैंने एसएससी के चैनल पर पढ़ाया था, देखो वहां से घूम करके यहां पर चला आया क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूं जितना जीके जीएस की क्लास हो प्लीज जरूर ज्वाइन किया करो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे वहां पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सर्वाधिक घनत्व कहां का है और न्यूनतम घनत्व कहां का है? सर न्यूनतम घनत्व तो हम लोग को सबको पता है कि सर वो अरुणाचल प्रदेश का है, सर अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत अच्छे, पता है। तो सबसे ज्यादा आपकी साक्षरता किस देश में है, किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा सर साक्षरता जो है, साक्षरता के मामले में नंबर एक पे सर केरल है, लेकिन सर सबसे लास्ट में जो है सर वही देश है, वही राज्य है जिसका सबसे ज्यादा घनत्व है, तो मतलब सर वो बिहार है, वो बिहार है। तो बिहार भैया सबसे ज्यादा इसका घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व है मेरे दोस्त। यूपी का नहीं है, यूपी का नहीं है डियर, यूपी का नहीं है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यूपी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मेरे दोस्त सबसे ज्यादा बिहार की है, सबसे ज्यादा बिहार की है। इसको याद रखो, बार बार याद रखो, ताकि तुम भूल ना सको, भूल गए तो दिक्कत हो सकती है, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम भूलो। साक्षरता तुमको याद होनी चाहिए, केरल, और लास्ट में कौन है? बिहार। और यहीं पे याद भी रख लेना, उच्च लिंगानुपात सेक्स रेशियो किसका है सबसे ज्यादा, उच्च लिंगानुपात किसका ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो यहां पर भी नंबर एक पे आपका केरला है, केरला है, और लास्ट में कौन है? तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा लास्ट में है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नहीं डियर, यूनिक पर्सन ये यूपी नहीं है, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां की है नंबर्स के मामले में? तो यूपी नंबर एक पर आ जाएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा? तो सर सिक्किम आ जाएगा लास्ट में, तो ध्यान में रखिएगा, ऑफिशियल डेटा ये है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के उपलक्ष में इसको मनाते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर के आर नारायणन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो बार राष्ट्रपति रहे हैं भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति रहे हैं, पहले सर दलित राष्ट्रपति रहे हैं, पहले दलित राष्ट्रपति रहे हैं, और सेकंड दलित राष्ट्रपति कौन रहे हमारे आदरणीय कोविंद साहब जी, कौन रहे सर? कोविंद साहब जी जो है वो सेकंड रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब्दुल कलाम जी, अगर मुझे यह तुम बता दो सर अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पर है तो मजा ही आ जाए। अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है? सर अब्दुल कलाम द्वीप जिसका पहले नाम क्या था सर? व्हीलर आइलैंड नाम था इसका, व्हीलर आइलैंड नाम था इसका। भैया ये द्वीप कहां पर है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो तो मजा आ जाए यार। पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, आज नाम हो गया अब्दुल कलाम आइलैंड, इसका अगर मुझे आंसर दे दो तो मजा आ जाए यार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया है, जग जाहिर है, बहुत बढ़िया। किस राज्य को व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके 1848 में मिला दिया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किसने किया था? सर डलहौजी ने किया था,
पंजाब को अल्टीमेट इसने अपने शासन में मिला लिया था, पंजाब को अल्टीमेट मिला लिया था 1848 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यपगत के सिद्धांत को लागू करने वाला सबसे पहला कौन सा था 1848 में, कौन लगता है आपको आंसर? पतारा, भगात व जैतपुर, सर झांसी, सर एक है नागपुर, सर एक है करौली। तो भैया कौन सा आंसर लगता है, याद हो तो प्लीज पेस्ट कर दो, फिलहाल मैं पेस्ट कर ही देता हूं। 48 भगात को 49, क्या है 49, जैतपुर 49, भगात 1850, झांसी कब होगा सर 1853, नागपुर सर 1854। सर याद कैसे करेंगे ऐसे हम लोग? अरे तो याद करने का मैं तरीका तुमको बता देता हूं। झांसी, झांसी को जरा देखो, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो ऐसे, तो तीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो जरा। झांसी लिखा था, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो तो तीन बन गया कि नहीं बन गया? सर बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया सर। तो भैया झांसी को तीन में ले आना, और नागपुर ये चार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सर चार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बार बार बनाओ, चार बार बनाओ, पांचवी बार पेपर में खुद बन जाएगा, तो चार इसको ले आना, इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। समझ गए इस चीज को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सतारा तो सबसे पहले आया था, सतारा तो सबसे पहले आया था, तो ये तो तुमको पता होना ही चाहिए था, समझ रहे हैं? तो 48, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हां, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अवध का विलय, मेरे दोस्त, अवध का विलय जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं किया गया था। पिछला जरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार भैया, अवध का विलय, अवध का विलय जो है मेरे दोस्त वो 1856 में हुआ था, लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं किया गया था। अवध का विलय कुशासन के आरोप में किया गया था, मिस गवर्नेंस के आधार पर किया गया था, मिस गवर्नेंस, इसीलिए मैंने उसको वहां नहीं लिखा। अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का, पेट्रोलॉजी, मिनरोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर में कुछ नहीं होता डियर, ग्लेशियरों का अध्ययन किया जाता है। क्रायो मतलब चिल्लाने के सेंस में बात कर रहा है, समझ लो, क्रायो क्रायो बचाओ बचाओ, तो क्रायो का मतलब समझ रहे हो, जब बर्फ तुम्हारे हाथ में रख दी जाएगी तो तुम भी चिल्लाने लगोगे थोड़ी देर बाद, तो क्रायो क्रायो पूछ लिया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेट्रोलॉजी इज द राइट आंसर, आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया यार, आंसर बहुत अच्छे से दे रहे हो आप लोग, बहुत मजा आ रहा है यार कि मतलब तुमको बहुत अच्छे आंसर पता है, वेरी गुड, अच्छी तैयारी पे जा रहे हो। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं? भौगोलिक अध्ययन कर लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर जाकर के भू आकृति विज्ञान के बारे में हम लोग कि किस तरीके से मॉर्फोलॉजी क्रिएट हुई है उसको करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया। आरटीजीएस, आरटीजीएस भैया क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? 2 लाख से ऊपर जितने ट्रांजैक्शन होते हैं आप आरटीजीएस के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हो। 2 लाख तक जो आपके सेटलमेंट होते हैं वो नेफ्ट के माध्यम से कर लिए जाते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या रियल ट्रांजेक्शन ग्रॉस सेटलमेंट, क्या लगता है आंसर? बहुत बढ़िया, राम पटेल भाई, रौनक भाई, रौनक यादव जी प्लीज आंसर दीजिए डियर। आरती अग्रवाल जी कह रही है ए, ओके। प्रतिभा जी सी, वेरी गुड। रश्मिता वर्मा सी, बहुत बढ़िया।
सुमित, सौरव भाई हमारे कह रहे सी, वेरी गुड। फाल्गुनी जी वेरी गुड। सुहानी वेरी गुड। सी 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 पत्थर की लकीर। तो जब पत्थर की लकीर हो चुकी है तो भैया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ही लेंगे, इस पे भी आप गलती मत कीजिए। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी हो जाती हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है डियर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है भैया, ये तो डायनामाइट के हैं, हो सकता है ये भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन डायनामाइट का इन्होंने किया, एक्स रेस का इन्होंने आविष्कार किया, ठीक है, एक्स रेस का इन्होंने आविष्कार किया, ठीक है, वेरी गुड। और तो क्या लगता है रसायन विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? बिट्टू शेरवाल मेरे भाई, अब वो हो गया आंसर सतारा 48, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आंसर? तुहानी वर्मा, धनंजय कुमार, प्रतिभा जी, वेरी गुड। ए ए ए ए ए ए ए ए ए एंटनी लेवोजियर, लेवोजियर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, प्लीज याद रखिएगा एंटनी लेवोजियर को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही किस राज्य में विधानसभा के शताब्दी स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? 100 साल पूरे हो गए मेरे भाई, कहां पर किया? यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कहां पर किया? कल्याणपुर वाला भाई क्यों जा रहे हो हाई कोर्ट? ठीक, बहुत बढ़िया। मिथिला, दरभंगा, ओके, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? गुजरात, ओके, गुजरात, ओके ओके ओके। आगे 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 और आंसर सी 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 भैया सभी गुजरात बोल रहे हो यार, भैया बिहार इज द राइट आंसर, बिहार, बिहार इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, वेरी गुड, बिहार इज द राइट आंसर। अरे मेजॉरिटी की तरफ मत भागो मेरे दोस्त, मेजॉरिटी की तरफ मत भागो, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक्स जेपलिन, दुनिया का सबसे बड़ा डार्क मैटर डिटेक्टर किस देश में स्थित है? ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मांड की लगातार खोज हो रही है और लगभग 50% से ज्यादा ब्रह्मांड जो है वो डार्क मैटर में है। डार्क मतलब वहां अंधेरा ही अंधेरा है, अभी हम उसको सर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए एक ये लगा हुआ है लेक्स जेपलिन करके, सबसे बड़ा डार्क मैटर डिटेक्टर लगाया गया है, यह किस देश में लगा हुआ है? चीन में, रशिया में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर लगा हुआ है यह? वेरी गुड। क्या लगता है इसका आंसर? चीन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सी सी इज द राइट आंसर, दैट इज यूएसए इज द राइट आंसर भाई, यूएसए इज द राइट आंसर। लेक्स जेपलिन जो है डार्क मैटर डिटेक्टर, ये लगा हुआ है कहां पर? अमेरिका में, अमेरिका इज द राइट आंसर। रश्मिता वर्मा जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनित कुमार बहुत बढ़िया। सुमित, सौरव भाई, राजकुमार चौहान मेरे भाई, अमेरिका कर दो उसको, ठीक है। आरती कपेसिया जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनगर, निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रदेश का नृत्य है? किसका है? धनगर, कहां का लग रहा है? धनगर, यहां पर एक और है, ध्यान में रखिएगा, ढालो भी यहीं का ही है। क्या है सर? ढालो। और ये मैंने कल आपको एसएससी वाले चैनल पर बताया था, एसएससी वाले चैनल पर बताया था, देखो वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, यहां पर भी इस क्वेश्चन को डाल दिया गया। इसीलिए कह रहा हूं जीके जीएस को तुमको मेरी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, 200% है तुमको, तुम्हारे क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिहार का बा से बिहार, बा का विदेशिया,
यहां का तो विदेशिया है, यह मुझे याद है, मैंने देखा है, बिहार का तो विदेशिया है, लेकिन धालो और धनगर ये दो जो है ये गोवा के हैं मेरे दोस्त। कहां के हैं? गोवा के हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गोवा में बहुत अच्छे। चंडीगढ़ नहीं होगा मेरे दोस्त, गोवा होगा इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? किसने की लिखा था भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ में लिखा हुआ है भैया। कलकत्ता का सेशन था। कहां का था सर? कलकत्ता का सेशन था। और दूसरे मुस्लिम कौन सर? पहले कौन थे उसको अभी हम देखेंगे सर। ये दूसरे मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, रहीमतुल्ला तयानी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो सर बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कौन सा सेशन था? मद्रास। मां से मुस्लिम और मां से मद्रास, मां से मुस्लिम और मां से मद्रास। तो भैया 1885, 1886, 1887। तो भैया 1887 में हुआ था पहला सेशन, जिसमें मद्रास सेशन, जिसमें पहले मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। 85 में तो बॉम्बे में हुआ था और 86 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे। बहुत बढ़िया। लेकिन सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कब सर? 1896 में बने थे। तो राइट आंसर सर चौथा हो जाएगा, जिसमें रहीमतुल्ला सयानी, मेरे दोस्त राहुल चौधरी भाई, 1934 नहीं 1896, विष्णु राजपूत मेरे भाई। बहुत बढ़िया, 1896 कर देना उसको, 10 साल और आगे ले आना, ठीक है। बहुत बढ़िया, पहला इंग्लिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था, बिल्कुल सही है। 1888 डियर अलाहाबाद सेशन। कौन सा सेशन? अलाहाबाद सेशन। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। याद करने का तरीका क्या होता है? बॉम्बे सबको पता है कि भैया WC बैनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है। बहुत बढ़िया, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे मेरे दोस्त। और 85 हो गया, तो भैया यहां से याद कर लेना 86, 87 और 88, CMA, कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन और ये अलाहाबाद सेशन। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहला पारसी अध्यक्ष, मद्रास सेशन पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और यहां पे अलाहाबाद सेशन पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम आदित्यनाथ। 4-5 बार याद करो, याद हो जाएगा। विवेक सिंह गोरखपुर मेरे दोस्त। जॉर्ज यूल 1886 में नहीं है मेरे दोस्त, जॉर्ज यूल 86 में नहीं है, 86 में कलकत्ता का सेशन हुआ था मेरे भाई, ठीक है। वो अलाहाबाद सेशन के होंगे 88 में, ठीक है। तो वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, आप सभी को याद हो चुका होगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम के नियम की खोज किसने की थी सर? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने की थी? डार्विन, थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या ग्रेगर जॉन मेंडल? कौन लगता है आपको आंसर? क्या होगा आंसर भैया? थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। पर चैडविक ने किसकी खोज की थी सर? तो चैडविक ने जो खोज की थी डियर, वो न्यूट्रॉन की खोज की थी सर। एक और था डियर, वो तो रदरफोर्ड था दादा हमारा, जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी सर। आइंस्टाइन का तो E=MC² चलता है। चार्ल्स डार्विन का क्या है? इसने तो बताया था कि भाई सिलेक्शन ऑफ नेचुरल स्पीसीज करके आया था इसका। ग्रेगर जॉन मेंडल इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित सम्राटों में से
किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया था? इसे स्तूपा नंबर वन भी के नाम से भी जानते हैं, स्तूपा नंबर वन के नाम से भी जानते हैं। किसने इसका निर्माण कराया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या बिंदुसार? बिंदुसार, बिंदुसार। भैया चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म से था ना, जैनियों को मान रहा था, बिंदुसार आजीविकों को मान रहा था। अब बता दो आंसर, अशोक होगा या कनिष्क? वेरी गुड, दैट इज अशोका, अशोका इज द राइट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली पास इट्स फर्स्ट इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल में पहला नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया है? क्या लगता है इसका आंसर, कौन सा होगा इसका आंसर? अशोका इज द राइट आंसर, हो गया। बहुत बढ़िया, अब क्या होगा आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, दैट इज नेपाल, नेपाल इज द राइट आंसर। प्रतिभाजी वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, नेपाल कंट्रोवर्सी एनी। कविल परमार भाई हमारे कह रहे हैं बहुत अच्छे, फाल्गुनी जी वेरी गुड, अंशु प्रिया ठीक, आर्मी लवर भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज आंसर इज नेपाल, नेपाल इज द राइट आंसर ठीक है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? कल के ही सेशन में बताया था, बनेश्वर उत्सव कौन मनाएगा, बनेश्वर उत्सव कौन मनाएगा? भैया इसको बोला जाता है क्या, ट्राइबल्स का कुंभ मेला, इसी को बोला जाता है कुंभ मेला ऑफ जनजातियां या ट्राइबल्स, कुंभ मेला ऑफ ट्राइबल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। भैया कौन मनाती होगी बनेश्वर फेस्टिवल? अधिकांशता आपको ये कहां मिलेगा, दैट इज राजस्थान इलाका, राजस्थान इलाके में कोई एक ऐसी जनजाति है जो इसको मनाती है। कौन सी आपको दिखती है जनजाति राजस्थान के इलाके में, कौन सी दिखेगी? देव भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाउ आंसर इज भील्स, भील्स इज द राइट आंसर। तो डियर ऑल आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा, ईश्वर से कामना करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार जरूर साबित होंगे। बाकी मैं एग्जाम पर एसएससी के भी चैनल पर क्लास लेता हूं, तो आप वहां पर भी मेरे थंबनेल को देख सकते हो, नोटिफिकेशन आइकन को आप डेली रात में एक बार प्रेस कर लिया करो ठीक है, तो वहां पर भी मेरे थंबनेल लग जाते हैं। बाकी आज के सेशन को डियर ऑल हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे, और ईश्वर से कामना करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, और ईश्वर आपको आपके मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंचाए आपको ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।